हेलो गाइस, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे इस ऑफिशियल चैनल पर जिसका नाम है कारमेंटर। सो गाइस, आज की इस नई वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं टाटा अल्ट्रोज के बारे में। सो गाइस, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इसके कुछ खास फीचर्स, कुछ स्पेसिफिकेशंस और इसके प्राइस रेंज के बारे में। सो गाइस, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला इसका पॉइंट ये है कि इसका जो रोड प्रेजेंस है वो काफ़ी बढ़िया है, यानी कि सस्पेंशन और हैंडलिंग के मामले में काफ़ी ब्रिलियंटली इसको बैलेंस किया गया है। और एक चीज़ के बारे में अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे ये गाड़ी जो है वो 5-star GNCAP सेफ्टी रेटिंग के साथ आती है, यानी कि ये नेक्सॉन के जितनी अच्छी बिल्ड क्वालिटी के साथ आती है। साथ ही साथ इसका जो फीचर लोडेड और स्पेशियस कैबिन है वो इसको काफ़ी कंफर्टेबल बना देता है। सो यहाँ पे और भी चीज़ें हैं, जैसे कि इसकी एम्बिएंट लाइट जो कि डैशबोर्ड में लगी हुई है इंफोटेनमेंट सिस्टम के आसपास में, वो काफ़ी कूल लगती है। दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पे इसका 7-inch का डिजिटल इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर है, जो कि आपने टाटा हैरियर में भी देखा होगा। चौथी चीज़ ये है कि इसमें 15-liter का कूल ग्लोव बॉक्स है, जो कि आराम से आपकी वाटर बॉटल्स को ठंडा रख सकता है। पांचवी चीज़ ये है कि इसका जो वॉइस कमांड फीचर है वो क्लाइमेट कंट्रोल को और इंफोटेनमेंट टचस्क्रीन सिस्टम को कंट्रोल करने में काम आ सकता है। तो अब हम बात करते हैं कि इसके अंदर नेगेटिव्स क्या हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला ये है कि इसका इंजन जो है थोड़ा सा अनरिफाइंड लगता है। दूसरी चीज़ ये है कि इसका जो ट्रांसमिशन है वो थोड़ा सा क्लंकी है, पर ऐसी कोई ऐसा कोई इशू नहीं है, कार एकदम परफेक्ट है। तीसरी चीज़ यह है कि इसका पियानो ब्लैक एसेंट जो है वो काफ़ी जल्दी स्क्रैच पकड़ लेता है, यानी कि ये मैं बात कर रहा हूँ एक्सटीरियर के बारे में। और पेट्रोल इंजन जो है वो थोड़ा सा और बूस्ट के साथ आना चाहिए, यानी कि उसमें थोड़ा पावर और टॉर्क अगर थोड़ा और इंक्रीज हो जाए तो पेट्रोल इंजन भी काफ़ी अच्छा लगेगा। सो गाइस, अब हम बात करते हैं इसके फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस के बारे में। सबसे पहले हम स्पेसिफिकेशंस डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे इस गाड़ी का सीसी जो है वो 1497 cc का इसका इंजन है, जो कि इंजन टाइप है इसका 1.5-liter टर्बोचार्ज रेवोटॉक इंजन, जो कि BS6 इंजन है। फ्यूल टाइप इसका डीजल है, आप चाहें तो इसमें पेट्रोल भी ले सकते हैं। मैक्स पावर ये जनरेट करता है 89 bhp का। मैक्स टॉर्क इसका है 200 Nm। ट्रांसमिशन इसका मैनुअल है, 5 gear इसमें आपको मिल जाएंगे। ऑटोमेटिक अभी तक लॉन्च नहीं किया गया है, पर वो जल्दी आ जाएगा। यहाँ पे इस गाड़ी का जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो 165 mm यहाँ पे आपको दिया गया है। इसमें फ्यूल टैंक कैपेसिटी 37 liters है। बूट स्पेस इसका 345 liters है, जो कि इसके राइवल्स एलीट i20 से काफ़ी ज़्यादा है। एलीट i20 का यहाँ पे 285 आपको मिल जाता है और इसमें 345 है, जो कि एक काफ़ी बड़ा डिफरेंस है। सो यहाँ पे ब्रेक्स एंड स्टीयरिंग के बारे में अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे फ्रंट ब्रेक टाइप डिस्क है, रियर ब्रेक टाइप ड्रम है। व्हील जो है वो इसमें अलॉय मिलते हैं, 16 inches के डायमंड कट आपको मिल जाएंगे। अब मैं फीचर्स के बारे में बात करूँ तो यहाँ पे इस गाड़ी में एयरबैग्स आपको सिर्फ 2 मिलते हैं ड्राइवर और पैसेंजर के लिए। चाइल्ड सीट हैंगर पॉइंट्स मिल जाएंगे, सीट बेल्ट वार्निंग मिल जाएगी, ABS और EBD मिल जाएगा आपको, इंजन इमोबिलाइजर है, स्पीड सेंसिंग डोर लॉक है और चाइल्ड सेफ्टी लॉक भी इसमें आपको दिया गया है। कंफर्ट एंड कन्वीनियंस की बात करूँ तो यहाँ पे ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल आपको मिलता है, यानी कि AC जो है वो फुली ऑटोमेटिक है। इसमें आपको हीटर भी मिल जाएगा, साथ ही साथ इस गाड़ी में आपको स्टीयरिंग एडजस्टमेंट, ड्राइवर्स के लिए टिल्ट मिलता है, कीलेस स्टार्ट बटन स्टार्ट मिल जाएगा, क्रूज कंट्रोल भी है, पार्किंग असिस्ट के लिए रिवर्स कैमरा दिया गया है, सेंसर जो है वो रियर के लिए भी लगाए गए हैं। इसमें क्रूज कंट्रोल भी मिलता है, जो कि आपको हाईवेज पे काफी काम आ जाएगा। सो यहाँ पे इस गाड़ी में सीट्स का जो मटेरियल है वो फैब्रिक लिया गया है, वेराज जो स्टीयरिंग व्हील और गियर नॉब है उसको लेदर रैप किया गया है और काफी अच्छी क्वालिटी का लेदर लगता है। सो यहाँ पे ड्राइवर आर्मरेस्ट जो है वो भी लेदर रैप किया गया है और वो भी दिया गया है, जो कि काफी कंफर्टेबल है। इंटीरियर जो है वो इसके ड्यूअल टोन है, यानी कि यहाँ पे 3-tone इंटीरियर स्कीम आपको मिल जाएगी, जैसे कि आप देख सकते हैं। इस गाड़ी में आपको डे टाइम रनिंग लाइट्स मिल जाएगी, यानी कि DRLs मिल जाएंगी जो कि LED है। फॉग लाइट जो है वो हेलोजन दी गई है, हेडलाइट जो है वो हेलोजन प्रोजेक्टर दिया गया है, दैट्स अ गुड थिंग। टेल लाइट जो है वो LED है, केबिन लैंप्स सिर्फ फ्रंट के लिए दिए गए हैं, हेडलाइट हाइट एडजस्टर भी मिल जाता है और कॉर्नरिंग हेडलाइट्स भी मिल जाती है। यहाँ पे स्मार्ट कनेक्टिविटी की बात करूँ तो इसका जो इंफोटेनमेंट टचस्क्रीन सिस्टम है वो एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले दोनों को ही सपोर्ट करता है। डिस्प्ले के साथ साथ ही इसके जो स्पीकर्स हैं वो 6 इसमें आपको मिल जाएंगे, यानी कि 4 मेन स्पीकर्स मिलेंगे और 2 ट्विटर्स मिल जाएंगे। इस इंफोटेनमेंट टचस्क्रीन सिस्टम में आपको GPS नेविगेशन, USB कनेक्टिविटी, AUX कनेक्टिविटी, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी जिसमें कि आप फोन एंड ऑडियो स्ट्रीमिंग कर सकते हैं, MP3 प्लेबैक, FMEM रेडियो, स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल और वॉइस कमांड भी इसमें आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे टाटा जो है वो पूरी गाड़ी की वारंटी आपको 2 साल की देता है और किलोमीटर्स में 1,00,000 की। सो इस गाड़ी में कुछ कलर्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे ज्यादा कलर्स तो नहीं है, 5 ही कलर है, जो कि है मिड टाउन ग्रे, स्काईलाइन सिल्वर, हाई स्ट्रीट गोल्ड, डाउन टाउन रेड और एवेन्यू व्हाइट।
इसमें से जो हाई स्ट्रीट गोल्ड है वो काफी बेहतर कलर है, मोस्टली लोग अभी वही प्रेफर कर रहे हैं बिकॉज ये मार्केट में नया कलर आया है। सो अब हम बात कर लेते हैं इसके प्राइस रेंज के बारे में। सो यहाँ पे प्राइस रेंज के बारे में बात करें तो इस गाड़ी का ऑन रोड जो है वो 7.80 लाख अहमदाबाद के हिसाब से 7.80 लाख से शुरू होकर ये 10.37 लाख तक जाती है, जिसमें कि आपको प्लेंटी ऑफ वर्जन यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। मोर ओवर पेट्रोल में भी यहाँ पे काफी अच्छी खासी वैरायटी आपको मिल जाती है, जिसमें प्राइस शुरू होते हैं 5.94 लाख से लेके 8.60 लाख तक। तो गाइस अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और आज की वीडियो में तो बस इतना ही, अगर आपको कोई भी सवाल है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो गाइस, स्टे अमेज़्ड, स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो।